थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लेकिन तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ देखने के बाद आपका परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। जब से फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब से मेरे जहन में एक सवाल था कि राइटर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा कैसे ऑडियंस को कन्विंस करेंगे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को थप्पड़ नहीं मार सकता, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता, या फिर एक थप्पड़ का नतीजा डिवोर्स हो सकता है। लेकिन फिल्म देखने के बाद मेरे इन सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। अनुभव सिन्हा वैसे भी हमेशा एक लीक से हटकर सब्जेक्ट होते हैं। इससे पहले वो लेकर आए थे फिल्म मुल्क, जो रिलीजन और देशभक्ति पर बेस्ड था। फिर लाए थे आर्टिकल 15, जो कास्ट पर बेस्ड थी। और अब वो लेकर आए हैं फिल्म थप्पड़, जो जेंडर इक्वालिटी पर बेस्ड है। हाय एवरीवन, आप देख रहे लोकमत न्यूज का यूट्यूब चैनल, मैं हूँ प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। तो मैं आपको बताऊंगी कि फिल्म थप्पड़ कैसी है, क्या है इसका रिव्यू, क्या है इसमें खास और क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म की लीड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की मुलाकात हमसे होती है एज अमृता। अमृता जो है बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ है, एक बहुत ही सिंपल रूटीन है उनका। सुबह जल्दी उठती है, फिर घर का सारा काम करती है, अपने हस्बैंड को एक बच्चे की तरह ऑफिस भेजती है, उसके पीछे पीछे भागती है, पर्स कहाँ है, टिफिन कहाँ है, बैग कहाँ है, फिर अपनी मदर लॉ का भी ध्यान रखती है। सारा काम करने के बाद फिर अपने लिए भी कुछ टाइम निकालती है। लेकिन सीधी सादी अमृता की जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका हस्बैंड विक्रम उसे एक भरी महफिल में थप्पड़ मार देता है, वो भी सबके सामने। सब अमृता को समझाते हैं, एक थप्पड़ ही तो था, हस्बैंड है, मूड खराब होता है, औरतों को इतना सहना पड़ता है, अरे शादी में तो ये सब होता रहता है, सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बात को अमृता नहीं भूलती और फिर यही से फिल्म की कहानी शुरू होती है। एक थप्पड़ ही तो है लेकिन वो मार नहीं सकता। तापसी पन्नू अपने इस डिसीजन पर अड़ी रहती है और साथ ही फिल्म की कहानी भी इसी सब्जेक्ट पर अड़ी रहती है। अमृता अपने हस्बैंड विक्रम से डिवोर्स लेना चाहती है और वो बहुत फोकस्ड है। सबसे पहले अनुभव सिन्हा को 10 out of 10 points, क्योंकि वो अपने मुद्दे अपनी स्टोरी से एकदम फटके नहीं है। उनका फोकस भी एक चीज पर ही था, थप्पड़ है वो मार नहीं सकता। फिल्म के डायलॉग्स इतने शानदार है कि हर एक डायलॉग आपको कुछ ना कुछ मैसेज देता है। आपको लगेगा कि जो फिल्म है वो आपसे इंटरेक्ट कर रही है। एंड नाउ कम्स द ब्रिलियंट स्टार कास्ट। सबसे पहले बात करते हैं तापसी पन्नू की, जिन्होंने अमृता का सीधा सादा किरदार इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। साथ ही उन्होंने अपने उस किरदार को अपने अंदर एकदम मेल्ट कर दिया है। आपको अमृता के चेहरे पे वो इमोशंस दिखेंगे, डर दिखेगा, प्यार दिखेगा, वो एकदम फोकस्ड वाला जो एटीट्यूड है वो दिखेगा। अमृता के फादर के किरदार में है कुमुद मिश्रा, जो एकदम शानदार है। वो फादर डॉटर वाली बॉन्डिंग जो इतनी लाजवाब है, साथ ही कुछ मोमेंट्स इतने अच्छे हैं कि आप इमोशनल हो जाएंगे। अमृता के हस्बैंड विक्रम के किरदार में है पवेल गुलाटी, जो एकदम ब्रिलियंट है। साथ ही है रत्ना पाठक शाह, जो अमृता के मदर के किरदार में है और वो अपना किरदार बखूबी निभाती है। जैसे हर एक माँ को अपनी बेटी की चिंता होती है, वैसे ही उनका भी किरदार कुछ ऐसा ही है। अमृता के लॉयर के किरदार में है माया सरोफ, जो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। साथ ही तन्वी आजमी, दिया मिर्जा, राम कपूर, मानव कौल जैसे स्टार्स इस फिल्म को एकदम बेहतरीन बनाते हैं। एट लास्ट फिल्म थप्पड़ इज ऑल अबाउट अ वुमन हु सेज इनफ इज इनफ। फिल्म का फर्स्ट हाफ हो या फिर सेकेंड हाफ, आप फिल्म से पूरी तरह से कनेक्टेड और इंगेज रहेंगे। हालांकि सेकेंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच करता है, लेकिन इतना तो चलता है। तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ डेफिनेटली सोसाइटी के स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाली है। तो मेरी तरफ से फिल्म को थम्स अप, मैं फिल्म को देती हूँ 4 stars out of 5। खास तौर पर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को अ बिग कुडोस, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरा परसेप्शन काफी चेंज हुआ है। साथ ही तापसी पन्नू की ब्रिलियंट एक्टिंग ने उन सभी महिलाओं को मोटिवेट किया है जो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही है। आपको फिल्म कैसी लगी, आपको रिव्यू कैसा लगा, इस रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।